हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है। लिब्रा कैल्क में एक खास चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका टोटल मैंने किया है 66 और 66 का टोटल किया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 66 है, दोनों का टोटल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया मैंने, ये लगा दिया सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन किया और इन दोनों ही को कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर नीचे इन दोनों को सेल एड्रेस B1 B2 सेलेक्ट कर लिया हमने, बंद किया ब्रैकेट को और एंटर प्रेस किया। रिजल्ट यहाँ 66 ही आ रहा है। ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट हमारा 66 आया हुआ है। मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये रिजल्ट 66 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर मैं 6 लिखता हूँ, 66 ही लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 66 लिखता हूँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सम लगाता हूँ, ये लगा दिया सम, और यहाँ पर भी इन्हीं दोनों को कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, दोनों को कर लिया, बंद किया ब्रैकेट को, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर 132 आ गया, लेकिन यहाँ पर 66 क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाता होगा, काफ़ी परेशानी होती होगी, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती होगी अगर ऐसा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, ये जो है और ये जो है, देखिए हमेशा नंबर किधर अलाइन होता है, किस साइड अलाइन होता है, राइट साइड अलाइन होता है। फिर देखिए, ये जो है नंबर है लेकिन ये टेक्स्ट है। कैसे पता टेक्स्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ना, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जब भी कोई पूछे सवाल कि देखिए ये कैसे पता कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो देखिए लेफ्ट साइड में अलाइन है और ये जो है राइट साइड में अलाइन है। ये वाला देखिए ना, ये वाला राइट साइड में अलाइन है। इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, ये लाइक ये कलर। ठीक है, तो ये कलर दे दिया मैंने। तो देखिए ये टेक्स्ट है, हाई जो है, ये देखिए ये टेक्स्ट है और ये जो है ये नंबर है आपका। ठीक है, नंबर हमेशा राइट साइड रहेगा और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आ जाइए फॉर्मेट सेल्स पर। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको बना देना है नंबर। तो नंबर जैसे ही हम बनाएंगे हमारा रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, ये नंबर हमने बना दिया, लेकिन अभी ये नंबर बना नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं हमने नंबर बनाने की कोशिश जरूर की है इसको, लेकिन ये अभी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही है। ठीक, इसमें फार्मूला बार में जाके देखेंगे आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा क्लियरली। F2 प्रेस करता हूँ तो आगे एक तो कॉमा सा लग गया है, कि कॉमा हटाना पड़ेगा आपको, तो कॉमा हटा दीजिए और सब काम हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए अब ये फिर लेफ्ट में हो गया, यहाँ पर 132 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।